पर आए हैं तो कुछ सच्चाई कुछ और ही निकल कर सामने आई है खाचरौद पुलिस की। यहाँ पर महिलाओं के साथ में अभद्रता का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि खाचरौद के शराब ठेकेदारों के साथ में खाचरौद पुलिस द्वारा मिलकर गांव के अंदर घुसकर महिलाओं के साथ में मारपीट की गई है। इस संबंध में आज हमने ग्राम अर्जला पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट से पूरी जांच पड़ताल की है, और जब जांच पड़ताल की है तो पूरे गांव ने एक ही बात बताई है कि शराब ठेकेदारों ने आकर यहां पर जो महुए की शराब बताई जा रही है उसे यहां पर ग्रामीणों के घर के सामने आकर ढोल दी, और जब इसका विरोध महिलाओं द्वारा किया गया तो महिलाओं के साथ में पुलिस ने मारपीट करी है। हम आपको बता दें, हमारे साथ में जुड़ी है कमला बाई, जिन्होंने हमारे को जानकारी दी है, जिनके हाथ में भी आप चोट देख सकते हैं किस प्रकार से इनके हाथ में चोट पुलिस द्वारा की गई मारपीट में उनको लगी है। खाचरौद के अर्जला में दो दिन पहले अवैध शराब बरामद करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों के हमले की घटना संदेह के घेरे में है। गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शराब ठेकेदार के आदमी गांव में शराब लेकर आए और लोगों के घरों के आगे शराब रख कर केस बना दिए। इस दौरान रोका टोकी करने पर महिलाओं और पुरुषों की पिटाई भी की गई। जबरन गांव वालों की बाइक भी जब्त कर ली। महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे लोगों को समझाने वाले मोहन सिंह राजपूत के खिलाफ भी झूठा प्रकरण दर्ज कर लिया। खाचरौद से 8 किलोमीटर दूर अर्जला में पुलिस पर हुए पथराव की घटना की सत्यता जानने के लिए अभय न्यूज सोमवार को अर्जला पहुँचा और यहाँ के लोगों से बातचीत की। गांव में 26 जून को शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव की घटना हुई थी। गांव की कमला बाई ने उस दिन की घटना के बारे में बताया कि शराब ठेकेदार के लोगों के साथ पुलिस वाले आए और घरों के आगे शराब रख दी। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो मारपीट करने लगे। गांव की एक महिला ने बताया कि शराब लोगों के घरों से नहीं पकड़ाई थी, वो तो ठेकेदार के लोग ही अपने साथ लाए थे। इनके साथ खाचरौद पुलिस के लोग भी थे। ये बेवजह महिलाओं और पुरुषों को पीट रहे थे। इतना ही नहीं, ये घरों में घुसकर सामान भी लूट रहे थे। जब अनुसूचित जाति की महिलाओं को पीटने की जानकारी गांव के मोहन राजपूत एवं उनके पुत्र प्रताप राजपूत को मिली तो बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन ठेकेदार के गुंडों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और मारपीट भी की। इस बात की जानकारी जब गांव के अन्य लोगों को लगी तो वह मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस पार्टी व ठेकेदारों के गुंडों पर पथराव कर दिया। पुलिस ने बाहर से अतिरिक्त फोर्स बुलाया लेकिन ग्रामीण बेहद गुस्से में थे। ऐसे में हवाई फायर कर भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। पुलिस ने 8 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली और ग्रामीणों को फंसाने के लिए अपने साथ लाई महुए की केन ग्रामीणों के घरों के आगे रख दी। गौरतलब है कि शराब ठेकेदार के गुंडे हर गांव में डायरी सिस्टम से शराब बेचते हैं, लेकिन अर्जला ऐसा गांव है जहां पिछले 5 साल से ठेकेदार डायरी सिस्टम से शराब नहीं बेच सका है। गांव में महुए से शराब बनती है लेकिन ठेके की शराब गांव में पूरी तरह बंद है। अब पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस गांव में यदि शराब पकड़ने गई थी तो शराब ठेकेदार के गुंडे पुलिस के साथ क्या करने गए थे। ये सवाल ही पुलिस की पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। दारू बाढ़ती आई तू टंका आया था दारू कौन तू बाढ़ती लाया था तो उंदा कर था चलती भी लाओ कौन लेके आया था ठेका वाला आदमी गाड़ी में लिख कर माइतर लिखा गया वहां टंका हाँ आया था तो भी उतारी निया खाली कर दिया तो ये डाग में जाते जाता मन्ना तो माए की दू औरत थी तो कहा यहाँ का खाली करी रखा तो के उतारी ने उधर खाली करो की दू तो मारवा लगी गया पुलिस वाला मारवा लगी गया ने फिर अतरे डाग में आदमी आ गया ये मोहन सिंह बापू ने तो के लेडीज ने कहा मारी रखे तो वड़ा पे लट से लड़ा लगी गया गाड़ी आई थे लाई ने तो आम्ही बोलले कन्या का दोईरा तो केवन गेले तो पाटी देले मारण दोड्या मार बाजी आया भाई थी तो के कार के पुलिस वाले का मारा ना सोया का मारा लोग आने के लेडी नहीं यार गाड़िया में थी आई खतरो दाड़ी दारू लेने तो यहाँ डोर दी दो ना ना वाला रे बाई बेना रे दई रे लट मार पुलिस खतरो दाड़ी थी तो कहीं ना गया भी दारू लाई थी ना शराब तो ना जलूम करवा दे ना डोर दी दी वाणा ने फिर तो घर में भरे गया तो हमें बारते लिख रही गया तो घर में भरे भरे ने फोन भी ले गया गाड़ी भी ले गया दारू चांदा भी डोरिया ना लाई लाई ने तो ये अनार देवा मार वही रही थी हमारी तो की दो गाड़िया।